डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ाना शुरू करते हैं। आपको जैसे कि पता होगा अभी हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक बायोलॉजी वाले चैप्टर को हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं, तो चलिए उसमें हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे दैट इज ए मोस्ट वीवीआई टॉपिक्स, सेल डिविजन। सेल डिविजन ये टॉपिक्स है सेल डिविजन का। चलिए हम लोग चलते हैं सेल डिविजन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सेल डिविजन क्या है, ये कैसे सेल का डिविजन होता है, सभी चीजें। तो सबसे पहले फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए, फर्स्ट एरो देकर, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड, आर मेड इज कॉल्ड सेल डिविजन, सेल डिविजन। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया कि सेल डिविजन क्या होता है। तो सेल डिविजन में ऐसा प्रोसेस जो सेल का डिविजन हो जाए, सेल का बंटवारा हो जाए, यानी कि द प्रोसेस विच मेड अप ऑफ अ न्यू सेल, यानी कि एक सेल से अगर दूसरा न्यू सेल का डिविजन होता है तब हम उसको बोलते हैं क्या, कि ये सेल डिविजन हुआ है। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिससे एक सेल से दूसरे नए सेल का निर्माण होता है, नया सेल बनता है, फिर हम उसको बोल देते हैं सेल डिविजन। ठीक है, अब सेल का डिविजन जो होता है इसके कितने टाइप्स हैं, तो सेल डिविजन का दो टाइप्स है। अब कौन कौन सा है उसके नीचे लिखा जाए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन, यानी कि सेल डिविजन जो होता है इसके कितने टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं। पहला में लिखा जाए, पहला का नाम है मिटोसिस, माइटोसिस भी पढ़ते हैं, मिटोसिस भी पढ़ते हैं। तो पहला का नाम हुआ माइटोसिस और दूसरे का नाम है मियोसिस, मियोसिस। तो पहला है माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। टोटल अगर बात किया जाए कि सेल डिवीजन के कितने टाइप्स होते हैं, तो सेल डिवीजन के दो टाइप्स होते हैं, पहला का नाम है माइटोसिस और दूसरा का नाम है मियोसिस। अब हम लोग किसको बोलेंगे माइटोसिस और किसको बोलेंगे मियोसिस, तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। देखिए अब माइटोसिस में क्या होता है, दोनों में ही सेल डिवीजन होता है, लेकिन सेल डिवीजन जो हुआ तो एक न्यू सेल का जो प्रोडक्शन हुआ उसमें अगर ग्रोथ पाया गया तब ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं माइटोसिस, यानी कि द प्रोसेस ऐसा प्रक्रम जो सेल्स के डिवाइड होने में, जब सेल्स डिवाइड हो जाते हैं तो उनमें ग्रोथ की प्रोसेसिंग आ जाती है और वही ग्रोथ की प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, माइटोसिस। ठीक है, तो यही ग्रोथिंग प्रोसेस जो है माइटोसिस कहलाती है। फिर से अगर बात करें तो नेक्स्ट एरो दिया जाए, नेक्स्ट एरो, इच सेल कॉल्ड मदर सेल, इच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल
डाउटर सेल बोला जा रहा है इसमें कि हर एक मदर सेल, मदर सेल का मतलब जो अपने संतान को उत्पत्ति करता है, जो अपने संतान को जन्म कर देता है वो मदर सेल कहलाता है, और जिसको जन्म दिया वो कहलाएंगे डाउटर सेल। ठीक है, जैसे मान लिया कि उसके नीचे एक फिगर बना लेंगे सिंपल सा, कि ये मान लिया कि एक सेल है। ठीक है, एक सेल है और यह सेल जो है ना, इस सेल का डिवीजन हो गया। तो इस सेल का जो डिवीजन हुआ तो बहुत छोटे 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 पार्ट्स में बन गए सेल। ठीक है, देख पा रहे होंगे ये जो छोटे छोटे सेल्स बन रहे हैं, इसके सेल्स जो बन रहे हैं ये कहलाएंगे आपको डाउटर सेल, डाउटर सेल, और ये कहलाएंगे हम लोगों को मदर सेल। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात देखा जाए तो ये हो गया हम लोगों का मदर सेल, जो सेल्स का डिवीजन किया, दैट इज मदर सेल, और जिसने पार्ट में डिवीजन हुआ दैट इज डाउटर सेल। ठीक है, तो इस फिगर को आप चाहें तो उसके नीचे बना सकते हैं। फिर उसके नीचे एरो देंगे, नेक्स्ट एरो लिखा जाए डाउटर सेल हेल्प्स, डाउटर सेल हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, अब रहा बात की सर डाउटर सेल का काम क्या है, तो डाउटर सेल का काम है जो टिश्यू खराब हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने का, रिपेयर का मतलब उनको ठीक करने का। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो डाउटर सेल हैं ये किसमें हम लोगों को हेल्प करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करने में, और दूसरी बात कि टिश्यू जो खराब हो चुके हैं उनको रिपेयर करने का। यानी कि कुल मिलाकर डाउटर सेल का हम लोगों को इम्पोर्टेंस ये समझ में आया कि इसका जो यूज है, इसका जो हेल्प, ये हमें हेल्प करता है वो दो जगह पे, एक ग्रोथिंग करने में, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने में, और टिश्यू को रिपेयर करने में। रिपेयर करने का मतलब उसको अगर खराब है तो फिर उसको बनाने में। ठीक है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर लिखा जाए नेक्स्ट एरो स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। चलिए, तो हम लोग यहां से एक नई चीज का शुरुआत करने वाले हैं, जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है जरा चीजों को देखिए। तो हमें जो यहां से बोला जा रहा है, कुछ स्पेसिफिक सेल जो होते हैं ना वो एनिमल और प्लांट्स में पाए जाने वाले होते हैं, जिसको हम लोग गैमेट्स के रूप में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलाउ करते हैं। जैसे मान लिया कि कोई एनिमल है या फिर प्लांट्स है, उसमें जो टिश्यू पाए जाते हैं तो उसमें गैमेट्स के रूप में सेल का डिवीजन होता है, या फिर वो एक ऑर्गेन्स सिस्टम होते हैं, ऑर्गेन्स पार्ट होते हैं, जिससे एक नए संतान की उत्पत्ति होती है, तो दैट इज वो सेल कहलाएगा, सेल का वो भी एक डिवीजन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी मदर सेल अपने
न्यू डॉटर सेल को अगर बर्थ करता है तब पर भी हम उसको बोलेंगे कि ये भी एक सेल डिवीजन हुआ। और ये दोनों में ही होता है, एक एनिमल में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। क्योंकि अगर छोटा पौधा है, एक बड़ा पौधा बन गया, फिर बीज दिया और बीज को जब हम लोग बोते हैं फिर से एक न्यू प्लांट्स बनता है, उसमें भी क्या हुआ, सेल्स डिवीजन हुआ, वो भी सेल्स डिवीजन कहलाया। ठीक है, तो इतनी सारी हम लोग चीजें थी सेल्स डिवीजन के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हम लोगों की चैप्टर थी बायोलॉजी की, ये पूरी की पूरी इसकी कहानी खत्म हो गई है। लेकिन दोस्तों हम लोग अभी जो एनसीईआरटी को बुक को फॉलो करते हुए साइंस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग अभी किए नहीं है, उसको जब कर लेंगे देन हम लोगों को कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को, एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन बोलेंगे देन उसका आंसर लिखवाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा जाए, मेक अ कंपैरिजन, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल एंड विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा गया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से कंपैरिजन करो, दोनों में कंपैरिजन करके बताओ कि एक दूसरे से ये किस प्रकार डिफरेंट है, ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग टाइप का है, किस प्रकार भिन्न है। तो आप एक तरफ लिखेंगे पहला का जब आंसर कर रहे होंगे, हमेशा कंपैरिजन या डिफरेंट ऐसा ही किया जाता है, एक तरफ लिखेंगे प्लांट सेल, एक तरफ लिखेंगे एनिमल सेल, एक तरफ प्लांट सेल, एक तरफ एनिमल सेल। अब हम लोग प्लांट सेल में फर्स्ट लिखेंगे, प्लांट सेल में फर्स्ट तो एनिमल सेल में फर्स्ट, फिर प्लांट सेल का सेकंड, एनिमल सेल का सेकंड। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कंपैरिजन या डिफरेंट करते हैं। तो प्लांट सेल का फर्स्ट लिखा जाए, इट्स सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कि प्लांट सेल के जो सेल वाल होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, सेलुलोज के बने होते हैं। इसमें लिखेंगे, इसमें एनिमल सेल के फर्स्ट में, इट इज विदाउट मेड अप ऑफ लैक ऑफ सेल वॉल। यानी कि इसमें हम लोग पढ़े कि एनिमल सेल में क्या होते हैं, तो इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल में क्या मौजूद होते हैं, सेल वॉल। और सेल वॉल कैसे बनता है, तो सेलुलोज से बनता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब लिखा जाए प्लांट सेल का सेकंड, तो प्लांट सेल के सेकंड में लिखा जाए, प्लांट सेल कॉन्टेन प्लेस्टाइड्स, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। यानी कि इसमें हम लोग ये लिखे कि प्लांट सेल में क्या क्या पाए जाते हैं, तो प्लेस्टाइड्स पाए जाते हैं,
क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात किया जाए तो प्लांट सेल में ये सभी सारे चीजें पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में ये सभी सारे चीजें नहीं पाई जाती है। दूसरा में लिखेंगे एनिमल सेल कॉन्टेन लैक देम, यानी कि इसमें हम लोग लिखें कि एनिमल सेल में ये सब सारी चीजें नहीं पाई जाती है, यानी कि प्लास्टाइड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब सारी चीजें नहीं पाई जाती है इसमें, इसलिए लैक का मतलब नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब लिखा जाए प्लांट सेल का थर्ड पॉइंट, लिखा जाए इसमें प्लांट सेल हैव डेफिनेट सेल, प्लांट सेल हैव डेफिनेट सेल, याद रखिएगा सेल, SHAP, ठीक है, प्लांट सेल हैव डेफिनेट सेल। इसमें लिखा जाए थर्ड, एनिमल सेल इरेगुलर इन शेप, ठीक है। तो ये थर्ड डिफरेंस, थ्री डिफरेंस आर ओवर, क्योंकि ये हमेशा जो कंपैरिजन किया जाता है, जो डिफरेंट बताया जाता है, तीन काफी होते हैं, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला में हम लोगों को कंपैरिजन करना था प्लांट सेल और एनिमल सेल में। फिर लिखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, लिखा जाए हाउ इज ए प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल वो यूकैरियोटिक सेल से किस प्रकार अलग है, ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है। तो हम इन चीजों का जिक्र पहले ही कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, लेकिन फिर भी लिखा जाए इसका आंसर लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन लाइक एनिमल सेल, कॉमा दे आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक प्लांट, लाइक प्लांट सेल। देखिए बोला जाए कि यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, तो यूकैरियोटिक उसको कहा जाता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग किसको देख लिया जाए तो एनिमल सेल के बारे में, यानी कि एनिमल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये सब नहीं पाए जाते हैं, इस प्रकार यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से अलग है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से किस प्रकार अलग है, क्योंकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जबकि जो उदाहरण होता है एक एनिमल सेल का, लेकिन दे आर अब्सेंट, यानी कि ये लोग अब्सेंट होते हैं इसमें, तो एक
प्रोकैरियोटिक सेल में, ये सब सारे जो चीजें हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर टू था। अब लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्चर्स और ब्रेक डाउन। बोला जा रहा है कि क्या होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्चर्स का मतलब तन जाए या फिर फट जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा। सवाल बोला कि अगर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तन जाए, टाइट हो जाए, या फिर फट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर तीन, सवाल तो समझ रहे हैं हम लोग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फट जाएगा, रिप्चर्स हो जाएगा, उसमें क्रोच आ जाएगा, वो ब्रेक टूट जाएगा, तो क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा कि आंसर लिख के हम सेंड करें। अगर इसका आंसर आप नहीं लिख पाए देन हम अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। तो आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। क्वेश्चन नंबर तीन से लगातार हम लोग करेंगे जैसे कि अभी कर रहे थे। तब तक के लिए धन्यवाद।